वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं 500 एमसीक्यूज, जो कि हम 5 दिन में पूरे कवर करेंगे। डेली आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे इस सीरीज़ के थ्रू। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोज़ पब्लिश हों चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। तो यहाँ पर गाइस, जो हम 500 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, 500 एमसीक्यू, तो जिनका एमपीसीएचओ और स्टाफ नर्स के लिए पेपर होने वाला है, स्पेशली व्यापम और सीआरपीएफ के लिए दिसंबर में, और दिसंबर में ही यूपीसीएचओ और एमपीसीएचओ का पेपर भी है, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी तक जो भी सीएचओ के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिन भी लोगों ने इस चैनल के वीडियोज़ देखे होंगे, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एटलीस्ट 70 से 80% एमसीक्यूज़ हैं, जो सभी जो वीडियोज़ रहे उनमें से आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस चैनल पर आपको स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे, तो एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हम टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो डेली आपको 500 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है, इसको हम 5 दिन में फिनिश करेंगे। देन आफ्टर और जो सीरीज आएंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, आपको 30 नवंबर के पहले तक है, दो पर डे 2 वीडियोज़ के बेस पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर के लिए आप लोग मेरा जो सेकंड चैनल है जीके विद कीर्ति, उसको भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली जीके से रिलेट करते हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा, तो आप लोग उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 टीस्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी मिलीलीटर। जो 5 टीस्पून है, कितने ml के बराबर होंगी। 5 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी ml मिलीलीटर्स। ऑप्शन है 30 ml, 25 ml, 12 ml, एंड डी है यहाँ पर 20 ml। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो 5 टीस्पून होती हैं, जनरली वो होती हैं 24.95 समथिंग ml होता है जो, बट यहाँ पर हम ऑप्शन के बेस पर जाएं तो उसका सही आंसर होगा बी, 25 ml। 5 टीस्पून इज इक्वल टू 25 ml। नेक्स्ट इज, विच पल्स should the nurse palpate during rapid assessment of an adult unconscious patient। तो कोई एक अनकॉन्सियस पेशेंट है, नर्स है, जो कौन सी पल्स को पालपेट करेगी सबसे पहले रैपिड असेसमेंट के लिए, फास्ट असेसमेंट के लिए किसी एडल्ट के लिए। तो ऑप्शन है रेडियल पल्स, ब्रैकियल, फीमोरल या फिर कैरोटिड। तो जो पल्स चेक करेगी नर्स, वो कौन सी चेक करेगी, कैरोटिड पल्स। और एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर इससे बन सकता है कि यदि नर्स किसी अनकॉन्सियस क्लाइंट में कैरोटिड पल्स चेक करती है, तो कितने टाइम तक चेक करना चाहिए। तो मोर देन 5 सेकेंड से ज़्यादा है जो चेक नहीं करना है, असिस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपको अनकॉन्सियस पेशेंट की पल्स चेक करनी है फास्ट असेसमेंट के लिए, तो वो कौन सी चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट इज, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी स्टैंडर्ड एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, आइसोनियाजिड और रिफाम्पसिन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन है जो एक स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग नहीं है, बाकी रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हैं, स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। नेक्स्ट इज, विच इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम बात यहाँ पर एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स की कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो आता है कि कौन सी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जिसके कारण रेड और ऑरेंज कलर की यूरिन जाता है पेशेंट। तो वो होगी रिफाम्पसिन। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करने का काम भी कर सकती है। जो 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व है उसको डैमेज करने का काम कौन कर सकता है, जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। रेड या ऑरेंज कलर की यूरिन किस एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो वो है रिफाम्पसिन का। तो दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। इनमें से वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फैट सॉल्यूबल और सेकंड वन इज़ वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा, विटामिन बी। नेक्स्ट इज द इन्फेंट सिट अलोन एट द एज ऑफ, तो जो एक बच्चा है सॉरी एक इन्फेंट है किस एज में अकेला बैठ सकता है। ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। तो एक इन्फेंट है जो 6 मंथ की एज में अकेले बैठ सकता है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ। तो चाइल्ड लेबर और प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत किस एज तक के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने के लिए क्या है, रोक लगाई गई है, प्रोहिबिट किया गया है कि इस एज तक के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाना है। ऑप्शन है 10 साल, 14 साल, 18 साल या फिर 21 साल। तो जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट है इसके तहत जो एज तय की गई है कि इस एज से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम पर नहीं लगाना है वो क्या है, 14 साल। नेक्स्ट इज साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस इज, तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो साइको सोशल डेवलपमेंट है एडोलेसेंस में वो किस क्या स्टेज रहेंगी इसकी। ऑप्शन है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो जो साइको सोशल डेवलपमेंट है एडोलेसेंस एज ग्रुप में वो क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि आपको अदर एज में है जो और इन्फेंट्स में टोडलर प्री स्कूल स्कूल एज चिल्ड्रन में पूछा जाता है तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज है वो सभी आप याद रखना, जरूरी नहीं कि आपसे एडोलेसेंस पूछा जाए, आपसे इन्फेंट भी पूछा जा सकता है, प्री स्कूल भी पूछा जा सकता है, एल्डर एज भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करें यदि इन्फेंट की, तो इन्फेंट से 18 महीने की एज तक साइको सोशल डेवलपमेंट होगा वो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट होगा, 18 मंथ से 3 साल तक ऑटोनॉमी वर्सेज सेवन डाउट, 3 to 5 ईयर इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, 5 to 13 ईयर इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरियोरिटी, और 13 से 21 साल जो कि एडोलेसेंस एज है इसमें आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन रहेगा, 21 से 39 साल 21 to 39 ईयर एडल्ट पीरियड है इसमें इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, 40 to 65 ईयर जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन, एंड ओल्डर पीपल है 65 एंड ओल्डर तो उनमें ईगो इंटीग्रिटी और डिस्पेयर है जो प्रेजेंट रहेगा साइको सोशल डेवलपमेंट। तो आपको बेसिकली इन्फेंट प्री स्कूल स्कूलेज और एडल्ट्स के लिए याद रखना है। नेक्स्ट इज अ प्रोटीन डेफिशियंसी सिंड्रोम इन विच वेट बिलो 60%, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड जनरलाइज एडिमा इज प्रेजेंट। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है उसमें वेट कितना रहेगा, 60% से भी कम, जो नॉर्मल वेट है उससे 60% से कम, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा और जनरलाइज्ड एडिमा है जो प्रेजेंट होगा। तो ये किस कंडीशन में होगा, मरास्मस, क्वासियोरकर, पेलाग्र या फिर रिकेट्स। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो सभी हैं, बट प्रोटीन डेफिशियंसी सिंड्रोम में पूछा है PEM में, उसके 2 टाइप होते हैं मरास्मस और क्वासियोरकर। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड एडिमा और ग्रोथ रिटार्डेशन दोनों कंडीशन है, तो एक इसमें होगा क्वासियोरकर में। नेक्स्ट इज डैमेज टू द अपर ब्रैकियल प्लेक्सस इन्वॉल्विंग द 5th and 6th सर्वाइकल नर्व रूट रिजल्ट इन। तो अपर ब्रैकियल प्लेक्सस में जब 5वें और 6वें नंबर की सर्वाइकल नर्व डैमेज होती हैं तो 5वीं और 6वीं जो सर्वाइकल नर्व है यहाँ पर रूट है जो जहाँ से निकली हुई है वहाँ पर कुछ डैमेज होगा तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन है अर्ब्स पाल्सी, क्लम्पेक्स पाल्सी, टॉर्टिकोलिस और मैनिंगो सील। तो 5वें 6वें नंबर की सर्वाइकल नर्व यदि डैमेज होती है अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस में तो हाथ पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो कौन सी कंडीशन में होगा, अर्ब पाल्सी में। इस तरीके से हाथ है जो आपका एक पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन प्रिवेंट बोथ मीजल्स एंड रूबेला, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो रूबेला और मीजल्स दोनों को प्रिवेंट कर सकती है। ऑप्शन है मीजल्स, OPV, DPT और MR। तो इसका सही आंसर है जो क्या होगा वो होगा डी, MR, मीजल्स और रूबेला वैक्सीन। OPV पोलियो के लिए, DPT डिप्थीरिया पर्टियूसिस और टिटनेस के लिए, और MR किसके लिए, मीजल्स और रूबेला के लिए।
नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस की कंडीशन को किस सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं? ऑप्शन है ऑर्क्योपैक्सी, TURF, रेमस्टेड पाइलोरोटॉमी, डोहमल्स ऑपरेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा अनडिसेंडेंट टेस्टिस को ट्रीट करने के लिए सर्जरी यूज की जाती है वो क्या है? ऑर्क्योपैक्सी। इसमें क्या किया जाता है? टू मूव एन अनडिसेंडेंट टेस्टिस, जो क्रिप्टोकॉर्डिस की आपने कंडीशन पढ़ी है, तो इसमें क्या होगा, जो टेस्टिकल है इनको स्क्रोटम में लाने के लिए परमानेंटली फिक्स करने के लिए सर्जरी की जाती है। और ये सर्जरी कभी कभी जो ऑर्क्योपैक्सी है इसका यूज़ जो टेस्टिकुलर टॉर्सन है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पर ये TURF है भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्या है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। क्या है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जो यूरोलॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए TURF का यूज़ किया जाता है। और पाइलोरिक स्टेनोसिस को ट्रीट करने के लिए पाइलोरोमायोटॉमी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कंजनाइटल एक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8 और 9। तो जो कंजनाइटल एक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कंजनाइटल है, और जो क्लॉटिंग फैक्टर है 8वें नंबर का 9वें नंबर का, उनकी कमी के कारण ही प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या है? ऑप्शन है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और ITP। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो 8वें और 9वें नंबर का जो कोगुलेशन फैक्टर है डेफिशिएंसी है किसमें होती है? ये होती है हीमोफीलिया की कंडीशन में। तो हीमोफीलिया के भी दो टाइप हैं, A और B। तो जनरली हीमोफीलिया ए में है जो 8वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट होगा, कमी रहेगी ब्लड में 8वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की, जो कि 85% केस में देखने को मिलता है। और हीमोफीलिया बी है तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 9 है इसकी कमी के कारण प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आपको ये भी पूछा जा सकता है ए में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी और बी में क्या होगी। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो 8वें नंबर का है तो ये होगा हीमोफीलिया ए में डेफिशिएंट और बी में होगा 9वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट, दैट मींस कमी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म लार्वा इज ट्रांसमिटेड बाय पेनिट्रेटिंग स्किन ऑन बेयर फूटेड इंडिविजुअल। तो किस कैटेगरी के जो वॉर्म के लार्वा हैं वो स्किन को पेनिट्रेट करके, यदि बेयर फुट इंडिविजुअल हो, कुछ चप्पल ना पहनी हुई हो, तो उस टाइम पर स्किन पेनिट्रेट करके बॉडी में एंटर हो सकते हैं? ऑप्शन है राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। यहाँ पर दो ऑप्शन एक बार आ गए हैं, बट यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी, हुक वॉर्म। हुक वॉर्म में किस तरीके से स्किन में पेनिट्रेट करके किसी भी पर्सन के जो बेयर फुटेड इंडिविजुअल होंगे उनमें एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कॉमनली फाउंड ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंट गर्ल बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक मोस्टली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और बाय रिफ्यूजिंग फूड और बाय इंड्यूसिंग वॉमिटिंग। तो एक एडोलेसेंट गर्ल में जनरली मोटापे से बचने के लिए एक जो ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो उसमें वो क्या करेगी, खाना खाना कम कर देगी जिसमें स्पेशली कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट शामिल होंगी, या फिर वो खाना नहीं खाएगी, फूड रिफ्यूज़ करेगी, या फिर खाने के बाद क्या करेगी, वॉमिटिंग इंड्यूस करेगी। तो एक किस कैटेगरी का ईटिंग डिसऑर्डर है? ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलमिया नर्वोसा, पाइका और डी है यहाँ पर डिसलेक्सिया। तो जो पाइका की कंडीशन है इसमें क्लाइंट खाने की चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें खाने लगता है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ भी। बट जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है इसमें क्या करेगा कोई भी पेशेंट, खाना खाने के बाद या तो वॉमिट करने की कोशिश करेगा या फिर खाएगा ही नहीं वेट गेन होने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ PPD यूज्ड इन माउंटेक्स टेस्टिस। तो जो PPD का डोज यूज़ किया जाता है माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए तो वो कितना होता है? ऑप्शन है 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 1 ml और 0.1 ml। तो जो स्टैंडर्ड डोज है माउंटेक्स टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है 0.1 ml। नेक्स्ट इज
प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग विजिबल पेरिस्टाल्सिस इन द अपर एब्डोमेन पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास वेट लॉस आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो यहाँ पर 4 से 5 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिए हुए हैं, तो किस डिसीज के मैनिफेस्टेशन है? ऑप्शन है हिरस्प्रिंग्स डिसीज और मेगाकोलन, ईसोफेगल एस्ट्रेसिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आप फर्स्ट पॉइंट से ही, फर्स्ट सिम्टम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस डिसीज़ का मेन क्लिनिकल सिम्टम है, तो वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड अप टू द एज ऑफ। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक रिकमेंड की जाती है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है यहाँ पर ओनली ब्रेस्ट मिल्क, उसके अलावा पानी भी नहीं देना है, ना कुछ खाने को देना है इन्फेंट में। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को कब तक रिकमेंड किया जाता है? 6 मंथ तक। उसके बाद है जो वीनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री फूड मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ कुछ सॉलिड या फिर लिक्विड खाने को दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वीनिंग। बट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो ड्यूरेशन रखा गया है, एज रखी गई है, वो क्या है? 6 मंथ। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पेल्विस कॉमनली नोन एज मेल पेल्विस इज। तो मेल में किस कैटेगरी की पेल्विस पाई जाती है? तो यहाँ पर 4 टाइप दिए हैं पेल्विस के, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड और प्लेटिप्लॉइड। तो जनरली फीमेल में जो पेल्विस पाई जाती है, जिसको हम गायनेकॉइड पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, जो चाइल्ड वियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेल्विस है। तो यहाँ पर मेल के लिए पूछा है, तो मेल में पेल्विस का शेप होता है एंड्रॉइड पेल्विस। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल नॉर्मली क्लोजेस बाय द एज ऑफ। तो 2 तरीके के फॉन्टेनेल पड़े हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर है वो तो 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाते हैं, बट जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है 18 महीने की एज से क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, 18 मंथ। नेक्स्ट इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज। तो फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है? ऑप्शन है 100 से 120 बीट पर मिनट, 120 से 160 बीट पर मिनट, 60 से 100 बीट पर मिनट या फिर 160 से 200 बीट पर मिनट। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट इज नेम गिवन टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस, डेसीडुआ, मायोमेट्रियम और कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो एंडोमेट्रियम को नाम दिया जाता है प्रेगनेंसी में, वो क्या है? डेसीडुअम। नेक्स्ट इज अ वूमेन हु हैज नॉट कैरीड अ प्रेगनेंसी टू द पॉइंट ऑफ बायबिलिटी इज। कोई भी वूमेन है, यदि उसकी प्रेगनेंसी है क्या हुई है? बायबिलिटी स्टेज तक, मतलब कि जो फीटस रहा है वो जिंदा रहा है या नहीं, जिंदा नहीं रहा है, उस स्टेज तक उसकी प्रेगनेंसी नहीं पहुंच पाई है, तो वो किस कैटेगरी की वूमेन में आएगी? ऑप्शन है मल्टीपैरा, नली पैरा, नली ग्रेविडा और डी है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन क्या है? वुमेन हु हैज़ नॉट कैरिड अ प्रेगनेंसी टू द पॉइंट ऑफ वायबिलिटी। वायबिलिटी तक किसी वुमेन ने क्या किया? प्रेगनेंसी कैरी नहीं की है, तो वो क्या कहलाएगी? नली पैरा। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ इज अ टूल फॉर। तो पार्टोग्राफ का टूल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, मॉनिटरिंग वुमेन विथ एक्लेम्सिया फॉर फाइंडिंग द जेस्टेशनल एज। तो पार्टोग्राफ का यूज़ किया जाता है प्रोग्रेस चेक करने के लिए, लेबर की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पार्टोग्राफ की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ पार्टोग्राफ आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कम्प्लीट और फुल डायलेटेड सर्विक्स मेजर्स। तो कम्प्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स कब मेजर किया जाता है? जब सर्विक्स कितनी डायलेट हो? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ न्यूबॉर्न। तो एक न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? तो होता है 50 से 60 mg/100 ml। कितना? 50 to 60 mg/100 ml। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताऊँगी बिना ऑप्शन पढ़े, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्री टर्म बेबीज फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड में लीड टू। तो किसी प्रीटर्म बेबी के लिए, यदि प्रीटर्म हो गया है बिफोर 36-37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन की डिलीवर हो गया है वो बेबी,
तो उसको ऑक्सीजन है जो आईसीयू में रख के ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उस ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण उस बेबी में क्या होगा, कुछ ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वो इफेक्ट है जो क्या कहलाएंगे, ऑप्शन है एस्फेक्सिया, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया, सेरिब्रल हेमरेज और हाइपोथर्मिया। तो जो प्रीटर्म बेबीज हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है यदि लॉन्ग टाइम तक, तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। नेक्स्ट इज एन अबॉर्शन इन विच द कॉन्सेप्टस कॉन्सेप्ट प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर एक्सपेल्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द यूट्रस। तो किस कैटेगरी के अबॉर्शन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट मटेरियल है, प्लेसेंटा है और मेम्ब्रेन है, सभी बाहर आ जाएंगे यूट्रस से, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑप्शन इनविटेबल अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर सभी मटेरियल बाहर आ गया है, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअस मटेरियल, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट इज माइल्ड बिनाइन एंड ट्रांजिएंट मूड चेंज ड्यूरिंग परपीरियल पीरियड इज टर्म्ड एज। तो पहले तो आपको परपीरियल पीरियड पता होना चाहिए, तो आफ्टर डिलीवरी के, आफ्टर बेबी डिलीवर होने के बाद से लेकर 6 वीक तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, परपीरियम पीरियड। परपीरियम पीरियड में किसी लेडी को माइल्ड और बिनाइन थोड़े बहुत मूड चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑप्शन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, परपीरियल साइकोसिस, पोस्टपार्टम ब्लूज और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो माइल्ड बिनाइन एंड ट्रांजिएंट मूड चेंजेस देखने को मिलेंगे परपीरियल पीरियड में, तो क्या कहलाएंगे, पोस्टपार्टम ब्लू। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन नॉट इंक्लूड। तो सिजेरियन सेक्शन है जो दो तरीके का होता है, एक तो इमरजेंसी में जब सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाए और दूसरा पहले से डिसाइडेड हो, इलेक्टेड हो। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है जो कौन सा नहीं है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए, ऑप्शन है कॉर्ड प्रोलैप्स, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन डायग्नोस्ड इन लेबर, प्रीटर्म बेबी और एक्लेम्पसिया। तो जो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है वो तो है कॉर्ड प्रोलैप्स, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन और एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया। बट जो नहीं है, जिसमें ज़रूरत नहीं है इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्या है, प्रीटर्म बेबी। नेक्स्ट इज एन एवरेज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच इज कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज। तो एवरेज लाइफ है जो ह्यूमन बीइंग की जो नेक्स्ट ईयर में भी आएगी वो क्या कहलाती है, ऑप्शन है लाइफ साइकिल अप्रोच, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ और डी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग की किस टर्म में कंसिडर की जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। नेक्स्ट इज अ वूमेन हुज हस्बैंड डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू एज अ लाइफ पार्टनर विथ हर इज। एक ऐसी महिला जिसका हस्बैंड उसके साथ अपनी आगे की लाइफ है जो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो वो किस तरीके की वुमेन कहलाएगी, ऑप्शन है विडो, डाइवोर्स्ड, सिंगल वुमेन या फिर डिजाइटेड वुमेन। तो विडो में तो वो जिसका पति है जो मर गया हो, डाइवोर्स में पति ने खुद से क्या किया हो, डिवोर्स दिया हो अपनी वाइफ को, सिंगल में सिंगल ही वुमेन रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो सही टर्म यूज़ किया जाएगा इसको वो क्या होगा, डिजर्टेड वुमेन। नेक्स्ट इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिपनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज अ टेस्ट टू असेस द पेटेंसी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इनफर्टिलिटी असेस करने के लिए है जो एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है, वो क्या है, ऑप्शन है रूबिन्स टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया के लिए होता है, विडाल टेस्ट है जो टाइफॉइड के लिए किया जाता है, और यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए, इनफर्टिलिटी की कंडीशन के लिए टेस्ट मेनली यूज़ किया जाता है, तो क्या है, रूबिन्स टेस्ट। नेक्स्ट इज वी सी टी सी स्टैंड फॉर। तो वी सी टी सी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर किसके लिए बनाए गए हैं, जो भी एड्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फॉलोइंग आर 3 P's ऑफ नॉर्मल लेबर एक्सेप्ट। तो नॉर्मल लेबर के लिए आपने 3 P पढ़े होंगे, पेल्विस का साइज, पावर मींस जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस कैटेगरी के आ रहे हैं, थर्ड इज पैसेंजर। तो यहाँ पर 3 P's है जो नॉर्मल लेबर के सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो क्या पेराइटी। नेक्स्ट इज
जननी सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन, तो जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी, 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई वुमेन एट द रिस्क ऑफ हैविंग अ बेबी विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो किस टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बेबी है वुमेन का उसको एनटीडी की कंडीशन है या नहीं। ऑप्शन है एमनियोस्कोपी, अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट, फीटल ब्लड सैम्पलिंग और अल्ट्रासोनोग्राफी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के असेस करने के लिए वुमेन में जो ब्लड सैम्पलिंग ली जाती है, यदि ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो क्या कंडीशन हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और कम होगा तो डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है एनटीडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, AFP टेस्ट। नेक्स्ट इज द टर्म गिवन टू रिडक्शन इन फंडल हाइट आफ्टर 38 वीक ऑफ जेस्टेशन इज, तो जो फंडल हाइट है 38 वीक के जेस्टेशन के बाद क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। 38 वीक तक कहाँ पहुँचेगी, एक्सिफेस टर्नम तक पहुँचेगी, देन आफ्टर क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी ये। तो ये 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या होगा, फंडल हाइट रिड्यूस होगी। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, ऑप्शन है वो क्विकनिंग, मोल्डिंग, लाइटनिंग और डी नन ऑफ दी अबव। तो जब जो फंडल हाइट रिड्यूस होती है 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में, इसको क्या कहा जाता है, ये कहलाती है लाइटनिंग। तो यहाँ पर जो प्रीमी है उनमें 38 वीक में, और जिनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है उनके लिए 36 वीक में ही ये लाइटनिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द प्लेसेंटा इन विच द अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड एट द एज और मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर इंसर्ट हो, प्लेसेंटा के एज में, बिल्कुल लास्ट पार्ट में या फिर मार्जिन पर, तो क्या कहलाएगा, बेलामेंटस इंसर्शन, वासा प्रीविया, वेटल डोर प्लेसेंटा या फिर सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर हो, प्लेसेंटा के मार्जिन पर हो, एज पर हो, तो क्या कहलाता है, वेटल डोर प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पर वेटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन बी असिस्ट बाय, तो पोस्टपार्टम पीरियड में DVT को कैसे असिस कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो DVT में एक साइन देखने को मिलता है वो है हॉमन्स साइन। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, हॉमन्स साइन प्रेजेंट है, और जो बाकी के साइन है, हैगर, ओसिएंडर और गोडेल साइन, ये सभी प्रेगनेंसी में होते हैं, ना कि पोस्टपार्टम पीरियड में रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी हॉमन्स साइन। नेक्स्ट इज विच हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर है जो क्या होगा, वो होगा सी, प्रोलैक्टिन। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन पूछा है तो वो होगा प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन के लिए पूछा जाता तब क्या होता, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज टू डेलिब्रेट इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन प्रायर टू, तो MTP एक्ट के तहत है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, अबॉर्शन किए जाते हैं, तो उसको एक टाइम लिमिट है जो सेट की जाती है, कितने वीक तक के अबॉर्शन बस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो टाइम लिमिट जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, तो वो होगा 20 वीक, मोर देन 20 वीक के बाद क्या कर सकते हैं, MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन नहीं किए जाते। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी 20 वीक्स। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ इज, तो इन्फेंट की डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ में एक साल के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, कहलाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज द टर्म सॉरी द नेम गिवन टू द लोचिया विच अकर्स 4 to 10 days आफ्टर द डिलीवरी, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो लोचिया की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, वजाइना के थ्रू ब्लड, म्यूकस, ये सभी चीज़ें एक्सपेल्ड आउट होती हैं जो 6 वीक तक के टाइम में भी चलती हैं ये। तो यहाँ पर 4 to 6 वीक तक का जो लोचिया है आफ्टर डिलीवरी वो क्या कहलाएगा, सिरोसा, रूब्रा, अल्वा या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या होगा, लोचिया सिरोसा। यहाँ पर ये देखिए पूरी टेबल दी हुई है कि लोचिया रूब्रा रेड कलर का होगा जो 1 से 3 दिन तक रहेगा पोस्टपार्टम डे में, जिसमें कंपोजिशन क्या होंगे, ब्लड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेसिड्यू एंड म्यूकस। और जो सिरोसा होगा पिंक कलर का होगा जो कि 3 से 10 दिन तक रहेगा,
जिसमें ब्लड म्यूकस एंड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, और एल्बा क्या होगा, व्हाइट कलर का जो 10 से 14 दिन तक रहेगा, में लास्ट द 6 वीक जो पोस्टपार्टम पीरियड है 6 वीक तक का उस तक रहेगा, जिसमें ल्यूकोसाइट्स काउंट हैं जो हाई होंगे। इस तरीके से जो पोस्टपार्टम जो लोचिया की कंडीशन है, आपको तीनों टाइप याद रखने हैं, कब और इनका कलर क्या रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन सब सेंटर इन हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया इज, तो सब सेंटर में जो हिली और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया है, तो इसमें कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है, तो इसमें होगी 3,000। यदि प्लेन एरिया में पूछते तब होती 5,000, बट यहाँ पर हिली और ट्राइबल एरिया में पूछा है तो होगी 3,000। नेक्स्ट इज, हेल्थ वर्कर शुड हैव बेटर कोऑर्डिनेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो हेल्थ वर्कर का जो बेटर कोऑर्डिनेशन किस सेक्टर में होना चाहिए। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हेल्थ वर्कर का जो बेटर कोऑर्डिनेशन सभी फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंट हो, ग्राम पंचायत हो, क्योंकि कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है हेल्थ वर्कर्स को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो नेशनल प्रोग्राम है जो कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च हुआ था, 1976 में। इसका लोगो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट इज, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट, तो NBBDCP, इस तरीके से भी आपको ये प्रोग्राम आ सकता है। तो इसमें सभी डिसीज इंक्लूड है, बस किसी एक को छोड़कर, तो वो लेप्टोस्पायरोसिस। और जो डिसीज इंक्लूड है वो कौन कौन सी हैं, 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो जो इनका डेटा है एक हमेशा इस भरा जाता है, बट जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की कंडीशन है, इसका डेटा मंथली है, जो नहीं फिलअप की अपडेट नहीं किया जाता है। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, इनका डेटा अपडेट कब किया जाता है, मंथली, हर मंथ अपडेट किया जाता है, बट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का डेटा मंथली अपडेट नहीं किया जाता। तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल प्रोग्राम बनाया है जो वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए, तो इसमें 6 डिसीज हैं, 6 डिसीज के आपको नाम याद रखना है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका ही लोगो भी याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर, तो IEC के लिए जो अप्रोच यूज किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन है पब्लिक एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, सोशल मार्केटिंग और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड मेंटेन इन अ सब सेंटर इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी बिलो एक्सेप्ट, तो जो रजिस्टर है जो मेंटेन किए जाते हैं सब सेंटर में, वो सभी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, इन पेशेंट रजिस्टर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मास्टर रजिस्टर और MCH मास्टर रजिस्टर। तो जो रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता सब सेंटर में, वो क्या है, इन पेशेंट रजिस्टर। सो गाइस, ये था टोटल 50 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द पढ़ेंगे, 30 नवंबर के पहले जो 500 MCQs की सीरीज़ हम पूरी कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।